तो एक बार का भाव महाराज हमारे गांव की एक मौरी बाहर चलेगी पढ़वे शहर में। सो गांव की मौरी अगर शहर में पढ़वे गई सो बहुत हिंदी व इंग्लिश बोलने लगी। अब जैसे ही वह गांव में आवे हो तैसे पढ़ के ग्रामीण में छुट्टी में जब भी तो वह गांव में क्या है स्टाइल में आवे हिंदी बोल के और संगे इंग्लिश बोल के। उसका जो पता नहीं है कि जब हम बुंदेली यालमन के बीच में पहुंच जाए तो उतना बुंदेली बोलो चाहिए क्योंकि वह टंग पे बैठी है। अच्छा बाय आवे सुबह तो हिंदी बोल में नहीं मैं नहीं जानती मैं तो ऐसा कुछ नहीं मम्मी जी पापा जी डैड्स मॉम्स। एक दिन हमारे रिश्तेदारी में पहुंची ब्याह में तो जैसी वह ब्याह में पहुंची तो ग्रामीण के दिन रहा है अच्छी गर्मी पड़ी रहा है लाइट ना रहा है गाँव में कौन लाइट हो नहीं है कहूँ कहूँ ऐसे बैठी रहा भीत है दुलैया हुआ है कमरा में तो मड़ा में बैठी थी शुद्ध मड़ा में। सो अच्छी गर्मी लगा था अच्छी दान पही रहा है पसीना चचाना जैसे महाराज का चचा गौ वैसे से अच्छो पसीना चचा गौ के लाने। सो अब कौन हुआ के नहीं आई वह हिंदी विंदी कुछ नहीं सीधी बोली वाह ओ माय गॉड कितनी दान है। छुपा तो नहीं है बुंदेली आप कितने भी छुपा लियो हम भी कहूँ चले जाए तो वह क्या ही आया कछु ना कछु ऐसा हो जाता कहूँ। एक लड़का का मतलब एक प्रेमी है तो एक प्रेम का हती दो जने हती जे हती बुंदेली बा मतलब हम जैसो सो जी मिल भी पहुँचे दो जने उन्हें बुलाओ जो दो जने गए मिल भी लड़की हती शहर की तरह समझदार ही पढ़ी लिखी लायक हतु बहुत ही चक्का वहाँ बुंदेली आदमी। तो जो दो जने मिलवे गए सो गले लगे सबसे पहले दो प्रेमी और प्रेम का दो जने गले लगे। सो प्रेम का बोली प्रेमी से मतलब हमसे बोली बाबू तुम्हारा दिल बड़ा कुरकुरा है। हमने कहा बोली बाबू तुम्हारा दिल बड़ा कुरकुरा है गले लगवे की बाल में बाबू तुम्हारा दिल बड़ा कुरकुरा है। हमने कुरकुरो मुरको नहीं है पगलू बुढ़ी को बंडल टोड़ा होते ना जो ऊपर के जेब मटा हो तो करो करो लगाए फिर ऐसे। आजकल का चीजें बहुत डिजिटल हो गई तो ऐसी मिठाई भी ऑनलाइन मिलने लगी जो चुटकुला में सुना तो चुके दो चार बार लेकिन फैशन सुना कैसा जो बहुत पसंद आता आदमन को तो सब चीज़ें डिजिटल हो गई तो सब चीज़ें ऑनलाइन मिलने लगी तो मिठाई भी ऑनलाइन मिलने लगी। तो हमने सोची क्या जब सब चीज़ें ऑनलाइन मिल रही मिठाई मंगवाना तो बाबी ऑनलाइन ही मंगा लो। तो हमने फ़ोन लगाओ ऑनलाइन माँ से कंप्यूटर नहीं बोले फिक्स। नमस्कार अग्रवाल मिष्ठान में आपका स्वागत है आज अच्छी सुविधा है बोले मिठाई के लिए 1 दवाएँ नमकीन के लिए 2 दवाएँ समोसा के लिए 3 दवाएँ हमें मिठाई जाना थी तो हमने 1 दबा दो। फिर से बोले लड्डू के लिए 1 दवाएँ जलेबी के लिए 2 दवाएँ रसगुल्ले के लिए 3 दवाएँ। अच्छा हमें लाड़ू का अचानक थे तो हमने लाड़ू का 1 दबा दो फेंके। बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएँ तिली के लड्डू के लिए 2 दवाएँ हमने कि चलो बूंदी के ले लो तो फिर हमने 1 दबा दो। 1 किलो लड्डू के लिए 1 दवाएँ 2 किलो लड्डू के लिए 2 दवाएँ 3 किलो लड्डू के लिए 3 दवाएँ और 100 किलो लड्डू के लिए 4 दवाएँ हमें लेने थे 1 किलो तो हमें 1 दबाने तो वो मोबाइल में एक ही के नीचे हो 4 तो धोखा से भी 4 दब गए। सुबह 100 किलो लड्डू उनको ऑर्डर होगा सुबह बोले क्या धन्यवाद आपने 100 किलो लड्डुओं का ऑर्डर किया है थैंक यू। अरे हमने काटो रे फोन ज़्यादा होगा गड़बड़ होगा जो तो पट से हमने फोन काटो हमने धार दो हमने 100 किलो का करना जो तो गलत होगा यार मोबाइल हमने दूध है अब बे लगा अब जैसा उनको तो ऑर्डर हो पाओ जब तक करें नहीं जब तक तो नहीं लगा उन्हें जब होगा शौक नहीं बड़ा ऑर्डर है सो अब भी लगा मैं फ़ोन हमें बहुत बार बार हम जब 6-7 दाया आगा सो पे हमने उठाओ एक दाय अब है बोला तो कंप्यूटर है अब जो खुदा बोले भैया आपने 100 किलो लड्डू को ऑर्डर करो तो हम बताओ कितने भिजवा दें पेमेंट करो पेमेंट। हमने यहाँ बोरा फंस गया यार आपका क्या था हमने 100 किलो चाह धाएँ कहाँ पैसा है उसका हमने यार बोरा फंसी हमने लगाई अकर हमने बुंदेली खाई अकर लगाने आए। सो हमने भी बिना से कही हमें देखो भैया ऑर्डर मॉडर हमने नहीं करो हम भैया 8-9 भैया है बड़े भैया से बात करने के लिए 1 दबाएँ मंजले भैया से बात करने के लिए दो दवा आए। बुंदेली आदमी कैसे न कैसे निपटी जाती जन से। नहीं सलाह देवे भाई भी दुनिया में बहुत होत और फ्री की सलाह देवे भाई इतने आदमी है दुनिया में कि आप कहने नहीं आए। गाँवन में अगर बोर होत हुई है जैसे बोर होत ना गाँवन में तो आदमी सलाह देवे आ जाए। एक हटाओ यार उसमें एक हटाओ पानी आप देखे वे माटी बोल लगा जे जन पर धूरा हो रही निकाय कछू जानत नहीं है जी। खुद को ब्याह नहीं मिलवा पाए। अब जब वो है कौन आए माटी उठा के वो ही पथरा भैया आगे जो पानी करने भैया बिल्कुल बस इसके बाद पानी करने ही कहानो डरवा लो एक डरवा लो ऐसे ऐसे में आदमी चूना लगवा दे दवा उन्होंने 5 पाइप 10 पाइप डवा आगे बचाए कहा जावा करवा देते। ऐसे भी सलाह देवा कई हो। तो एक आदमी ने दुकान खोली थी तो फ्री की सलाह देवे आदमी आए। उनकी दुकान पे वहाँ बोर्ड लगो तो लिखो तो हमारे यहाँ पे ताजी मिठाई मिलती है। सो एक आदमी सलाह देवे आओ खिलाने बोलो यार जो कल खे तुम यार यहाँ पे ताजी मिठाई मिलती है हमारे यहाँ पे ताजी मिठाई मिलती है। बोले जो हटाओ हमारे यहाँ। बोले तुम्हारी दुकान पे आदमी आज है पढ़ रहा होता वो तो पता ही है तुम्हारी दुकान पे। बोले जो हमारे यहाँ हटाओ सही नहीं लिखो वो बेचारे ने हटा दो। अब वो बच्चों ताजी मिठाई मिलती है तो बच्चों दूसरा सलाह दे भी बोले ताजी मिठाई मिलती है। बोले इसका क्या मतलब है यार पगला हो तुम। बोले बासी को बेचा सबको ताजी बेचा। बोले तुम्हारी दुकान पे आए आदमी वो पता है कि ताती है ताजी है बासी को बेचता ही नहीं है। बोले जो हटा ताजी हटा तो वो चाइना बोर्ड पे वो मिटा था। अब बच्चों मिठाई मिलती है एक वह सलाह दे भैया फ्री की दे रहे। बोले यार मिठाई मिलती है क्या मतलब है यार। बोले सामने दिखा रही है मिठाई धरी है। बोले तो मिठाई मिले इधर कौन सा महेरो मिल लो। बोले हटाओ इसका मिठाई का हटाओ बोर्ड पे बच्चों मिलती है। एक और सलाह देवे आओ उन्हें देखो। बोले मिलती है। बोले इको क्या मतलब है पगला होगा तुम्हारे। आदमी आ रहा हो दुकान तक उसे दिखा रहा हो क्या धरो दुकान पे मिठाई धरी तो मिठाई मिला तो ये सबका पता है। वो लिखवे की क्या जगह जब मिलती है दिखा रहा हो तो हटाओ इसका वो मिलती है हटा दा। अब बोर्ड केवल खाली बचो उधर कछु नहीं बचो बोर्ड पे। फिर कहीं एक सलाह देवे आओ। बोले यार पागल हो यार बोर्ड लगाए हो मिठाई धरे हो। बोले ये पर लिख नहीं पा रहा कि हमारे यहाँ पर ताजी मिठाई मिलती है। एक से एक आदमी है घूम फिर कहीं आंगने होता ही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। Eklavya University, the move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.